पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव पेश किया और वो पास हुआ। और उनका ये कहना है, चंडीगढ़ विधानसभा में ये बात आई कि चंडीगढ़ को पंजाब के हवाले कर दिया जाए और इसको लेकर अब हरियाणा पंजाब में सियासी पारा गरमाया हुआ है। अलग अलग नेताओं की तरफ से इस पर बयान आ रहे हैं। हरियाणा के नेताओं की तरफ से यह भी कहा जा रहा है, खासतौर से बीजेपी के नेताओं ने अभी यह कहा है कि यह पंजाब सरकार का, भगवंत मान का एक शगुफा है उन मुद्दों से ध्यान भटकाने का जो उन्होंने वादे किए हैं जनता से। और इस वक्त हमारे साथ इनेलो के विधायक और वरिष्ठ नेता अभय चौटाला भी जुड़ चुके हैं। खबरें अभी तक पर सीधे मेरे सहयोगी उनके साथ हैं, जितेंद्र उनसे बात करेंगे, फिर मैं भी उनसे बात करूं। जी जितेंद्र, आप शुरुआत कीजिए बातचीत की। जी बिल्कुल, बात साफ है कि पंजाब के अंदर जिस तरीके का रेजोल्यूशन लाया गया है पंजाब सरकार की तरफ से, और उस पर सीधी प्रतिक्रिया जो है वो इनेलो के वरिष्ठ नेता विधायक अभय चौटाला से हम जानना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं पंजाब सरकार के इस फैसले को। इससे पहले SYL को लेकर के भी एक फैसला इसी प्रकार से पंजाब विधानसभा में किया गया था पिछली सरकार के दौरान। ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले भी इस तरह के रेजुलेशन जो है पंजाब की सरकारें लेकर के आती रही है। SYL के इशू के ऊपर अकाली दल और भाजपा की सरकार ने भी 2016 के अंदर जब फैसला हमारे हक में आया था, उस वक़्त उन्होंने भी एक रेजुलेशन ला करके इसका विरोध करने का काम किया था। उसके बाद जब अमरिंदर सिंह की सरकार बनी तो उन्होंने भी एक ऐसा ही रेजुलेशन लाए थे कि जितनी वाटर ट्रीटी है वो सारी की सारी हम जो है मानने से इनकार करते हैं। उन्होंने भी रेजुलेशन बना करके भेजा था गवर्नर के पास। आज भी जो आप पार्टी की सरकार ने किया है वो भी एक केवल पॉलिटिकल स्टंट है। मैंने अभी मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख करके भेजी है, उसमें कहा है कि आपको भी हरियाणा का स्टैंड जो है स्पष्ट करना चाहिए और आपको भी एक स्पेशल सेशन बुला करके केंद्र की सरकार को एक रेजुलेशन हरियाणा की तरफ से भेजना चाहिए कि इस तरह के कोई भी फैसले, जब दो राज्य अलग अलग हुए और अलग अलग होने के साथ जो फैसले उस वक़्त हुए थे वो फैसले जो आज अधूरे हैं कुछ, उनको तो लागू करे केंद्र की सरकार। और उसके साथ साथ जो इस तरह के रेजुलेशन कोई भी सरकार ले उसके खिलाफ आपको कड़ा नोटिस लेना चाहिए कि आप उन फैसलों को कैसे नकार सकते हो जब आप दो अलग राज्य बने थे तब फैसले हुए थे। चंडीगढ़ पे आज भी हरियाणा का अधिकार है। शाह कमीशन की जो रिपोर्ट है, उस वक़्त जो कमीशन मुकरर किया गया था शाह कमीशन के नाम से, उस रिपोर्ट में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि चंडीगढ़ जो है उस पर हरियाणा, जब भी इस पर फैसला हो चंडीगढ़ हरियाणा को दिया जाए। तो इस पर हमारे मुख्यमंत्री जी को अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए उस शाह कमीशन की रिपोर्ट को साथ लगा करके, और केंद्र की सरकार को भेजना चाहिए एक दिन का तुरंत सेशन बुला करके अपना मजबूत पक्ष रखे। केंद्र की सरकार आपको क्या लगता है हरियाणा के हक की तरफ सोच रही है, क्योंकि जब हम विधानसभा हरियाणा की बात करते हैं वहाँ भी 27% जो जगह है वो हमें मिली हुई है जबकि 40% होनी चाहिए। कई बार विधानसभा स्पीकर ने इसको लेकर के बैठ के जो है वो की है कि हरियाणा को अपना हक मिलना चाहिए। SYL के मसले पर हम देखते हैं, हाल ही में अमित शाह यहाँ पर पहुँचे थे, चंडीगढ़ को लेकर के कुछ निर्णय यहाँ पर उनकी तरफ से बताया गया, कहीं ना कहीं उसके रिएक्शन के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। केंद्र की सरकार को आप कैसे देखते हैं हरियाणा के हक को लेकर? अमित शाह जी ने जब ये कहा कि यहाँ पे सेंट्रल रूल्स लागू होने चाहिए तो उनकी मंशा तो साफ थी कि चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरी बनी रहे, हरियाणा को चंडीगढ़ ना मिले। पंजाब ने तो केवल अपना हक जताने की बात करी है। एक्चुअल में तो हमारे मुख्यमंत्री को ये पक्ष रखना चाहिए कि शाह कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके चंडीगढ़ हमें सौंपा जाए, ये हमारी कैपिटल है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री तो अपनी कुर्सी तक सीमित हैं, जो केंद्र की सरकार फैसला ले लेगी वो तो उसके आगे जो है टस से मस नहीं हो सकते, जो वो फैसला करेंगे वो उस पर जाके दस्तखत कर देंगे। अगर हमारा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के लोगों का हितैषी है तो फिर SYL के ऊपर भी मुख्यमंत्री को
अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। ये खेती से जुड़े हुए लोगों का मसला है और ये किसान विरोधी सरकार है। अगर SYL का पानी हमें हमारा हिस्सा जो है मिलता है तो सीधा सीधा ये मान के चलो आप कि हरियाणा में उत्पादन बढ़ता है, हरियाणा के लोग उससे खुशहाल होते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, ये केंद्र वाले जो BJP की सरकार जो है, ये किसान को खुशहाल देख करके राजी नहीं है। BBMB को लेकर के भी एक निर्णय देखने के लिए मिला तो सदस्य को लेकर BBMB पे तो केंद्र की सरकार ने अपना फैसला बदल लिया। BBMB तो जैसे पहले थी उसी तरह से रहेगी, ये फैसला आ चुका है। लेकिन SYL के ऊपर भी हमारे मुख्यमंत्री को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। केवल अखबार में बयान नहीं देने चाहिए, केवल ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कहा है कि हमने दिल्ली को पानी देना, आप हमें पानी दो। क्यों भीख और खैरात मांग रहे हो आप? आपका अपना अधिकार है, आपका अपना हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट की उस पर मोहर लगी हुई है। आप मजबूती के साथ अपना पक्ष केंद्र के सामने रखो और केंद्र से कहो कि हमें हमारे हिस्से का पानी दिया जाए। अपना पक्ष रखने की बजाय मुख्यमंत्री तो अपनी कुर्सी कैसे कायम रहे इसमें लगे हुए हैं। नासिर, कोई सवाल आप पूछना चाहे? अभय जी नमस्कार। अभय जी, एक सवाल यह है कि जिस तरह से पंजाब के जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो SYL के मुद्दे की बात हो या फिर वो बात अब पंजाब राजधानी को लेकर हो, तो वहां की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बहुत मजबूती से एक साथ नजर आती हैं। इस वाले मुद्दे पर BJP ने अपना रुख अलग किया है, लेकिन बाकी सारी पार्टियां पंजाब की एक साथ हैं, तो हरियाणा में ऐसा क्यों नजर नहीं आता? ये तो मुख्यमंत्री से पूछने वाला सवाल है आपका। हमने SYL के मामले के अंदर अपनी स्थिति बड़ी स्पष्ट करी थी। जब मैं LOP था, जिस वक्त जब ये फैसला आया SYL पे, मुख्यमंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और हमने मुख्यमंत्री से कहा था कि आप चाहे प्रधानमंत्री से मिलो, आप राष्ट्रपति से मिलो, आप जिससे मर्जी मिलो, हम आपके साथ हैं पूरी तरह से। राजनीति से ऊपर उठ करके जो फैसला निर्णय आप लोग या हरियाणा के लोगों के हितों में, हम उसका समर्थन करेंगे। आज भी मैं ये कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जो है इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। हम जो है हरियाणा प्रदेश के हितों की जहाँ बात आएगी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश जो एक अलग प्रदेश बनाने में चौधरी देवीलाल की सबसे बड़ी भूमिका रही और हमारी पार्टी का तो नीम जो है वो चौधरी देवीलाल हैं। हरियाणा के हितों की जहाँ बात आएगी, हम राजनीति से ऊपर उठ करके सरकार के साथ मजबूती से उस लड़ाई में आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैंने मांग करी है कि तुरंत मुख्यमंत्री जी को जो है स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए और अपनी जो है हरियाणा का पक्ष मजबूती के साथ केंद्र के सामने रखना चाहिए। अभय जी, अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री गुड़गांव में थे, गुरुग्राम में थे, और वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, और इस दौरान जो मैं उनकी बात सुन पाया शुरुआत में, तो उनका कहना था कि इस तरह की बातें पहले भी पंजाब के नेता करते रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा के कई कैबिनेट मंत्रियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये पंजाब सरकार का और मुख्यमंत्री का लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है उन मुद्दों से। क्या आपको भी ऐसा लगता है या आप इसको और ज़्यादा संजीदगी से देख रहे हैं इस मुद्दे को? संजीदगी से ही देखने वाली बात है। आप कहते हो कि ध्यान भटकाने की बात करते हैं, आप क्या कर रहे हो? गए आपने SYL के ऊपर अब तक क्या किया है? आप उनसे ये पूछो कि आप ये बताओ ना कि तुम्हारी सरकार ने SYL के ऊपर तुम्हारा क्या स्टैंड है, उसके लिए आपने कितनी दफा प्रयास किए? क्या हमारे मुख्यमंत्री ने एक दिन भी SYL का पानी हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिले इसके लिए देश के प्रधानमंत्री से बात करी? क्या कभी एक दिन भी देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी के सामने जाकर के ये कहा कि हरियाणा प्रदेश का जो हिस्सा जो पंजाब से हरियाणा को मिलना है, क्या कभी सीरियसली उसके ऊपर उन्होंने चर्चा करी, कभी डिमांड करी? एक दिन भी ये लोग इस पर आगे नहीं बढ़े। इन्होंने भी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी कृषि के 3 काले कानून लाए और कभी और इस तरह के फैसले लिए। अब की बार सेशन में हमने मुख्यमंत्री के सामने सारी बातें रखी थी कि कैसे भ्रष्टाचार तेरे प्रदेश में पनप रहा है, कैसे लूटा जा रहा है इस प्रदेश को,
क्या मुख्यमंत्री ने एक बार भी ये कहा कि मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा, मैं इसकी जांच कराऊंगा? एक बारी भी नहीं कहा। ये तो प्रदेश को लूटने में लगे हुए, इनको इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि इस प्रदेश के लोगों के साथ आज केंद्र की सरकार किस तरह से अनदेखी कर रही है। ये तो अपनी कुर्सी कैसे कायम रहे इसमें लगे हुए हैं बेचारे। अभय जी, एक और सवाल है मेरा। मुख्यमंत्री जी को तुरंत सेशन बुलाना चाहिए। मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से भी ये डिमांड है जी। अभय जी, SYL को लेकर आप आवाज उठाते रहे, हरियाणा की हर राजनीतिक पार्टी ने अभी आवाज उठाई, लेकिन आपने वो भी करके दिखाया, कि आप खुद बॉर्डर पर पहुंचे थे SYL की खुदाई को लेकर, और आपने SYL के मुद्दे को लेकर अकाली दल से अपना रिश्ता भी तोड़ लिया था। लेकिन आज इस मुद्दे पर भी पंजाब की सारी पार्टियां एक साथ हैं, बीजेपी ने इसकी मुखालफत जरूर की है क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार अमित शाह वो आए थे, उनका ये फैसला है। तो यहां पर अकाली दल का जो रुख है, आप अभी हाल में भी उनका प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, फिर वही एक स्थिति सामने आपके आ गई है पर्सनल रूप से, निजी रूप से जी। मैं कहता हूं हरियाणा प्रदेश के हितों की जहां बात आएगी जी, उसके लिए किसी भी पार्टी से हमारा कोई भी राजनीतिक रिश्ता जो है कोई मायना नहीं रखता। हमारे लिए प्रदेश के हित पहले है। हम अपने प्रदेश के हितों के लिए कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े वो लड़ेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। आप जो बीजेपी की बात करते हो कि आज बीजेपी का स्टैंड कुछ और रहा, तो बीजेपी ये स्पष्ट करे ना, बीजेपी अगर कहीं इस चीज़ के खिलाफ थी तो फिर बीजेपी के दो जो विधायक थे उनको वॉकआउट करने की बजाय वहाँ अपना पक्ष रखना चाहिए था, अपना पक्ष बताना चाहिए था। वॉकआउट करना भी समझो कि आप सहमति प्रकट करते हो किसी चीज़ पे, आप उसके ऊपर कोई चर्चा में हिस्सा ना लो और वॉकआउट करके चले जाओ, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप ना इसके पक्ष में हो ना इसके खिलाफ हो, आप तो कहीं ना कहीं चुप होकर के उसका समर्थन कर रहे हो जी। एक और मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से पंजाब सरकार ने इस मुद्दे को लेकर गर्मजोशी दिखाई है, आवाज़ उठाई है, हरियाणा सरकार की तरफ से आपको क्या लगता है कि वो भी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस मुद्दे को लेकर अपनी तरफ से मजबूती से अपनी बात रखेंगे? लगता है आपको, आपने पत्र भी लिखा, और आपकी तरफ से आगे इस पर और क्या किया जाएगा जी? मैं तो उनसे फिर ये डिमांड करूंगा कि आप तुरंत सेशन बुलाओ और सेशन बुला करके हरियाणा के पक्ष को मजबूती के साथ रखो, एक रेजुलेशन पास करवा करके केंद्र की सरकार को भेजो और केंद्र की सरकार से कहो कि इस तरह के कोई भी रेजुलेशन आपके पास आते हैं तो आप उस पर संज्ञान लो और किसी ने गलत कोई रेजुलेशन किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करो। अभय जी, हमारी जो और आपकी बात अभी चल रही है, इसी बीच आप बस थोड़ी देर में आपका वक्त चाहूंगा, मुख्यमंत्री का बयान भी आया, अभी बिल्कुल ताजा बयान है पंजाब को लेकर, उनका क्या कुछ कहना है, एक बड़ी खबर, और उसके बाद फिर मेरा आपसे एक सवाल होगा मुख्यमंत्री के बयान पर। पंजाब विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ उसको लेकर बयानबाजी तेज है, और इस पर मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि एक तरफा प्रस्ताव पारित किया गया है, एक तरफा प्रस्ताव पारित करना बेईमानी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हिमाचल भी चंडीगढ़ को अपना हिस्सा मानता, क्या कुछ उनका कहना था, मुख्यमंत्री का बयान, फिर उसके बाद इनेलो नेता अभय चौटाला से बात करेंगे। प्रकार के रेजोल्यूशन के मामले वो कई बार पहले करते रहे हैं, लेकिन राजीव लोंगोवाल समझौते में एक चंडीगढ़ को दोनों स्टेट्स की राजधानी के रूप में रखा गया था, और 60-40 का जो रेशो है उसमें सारा हमारा एम्प्लॉइज का, बिल्डिंग्स का, ये सब उस समय से चल रहा है, आज भी वही है। इस प्रकार से एक तरफा रेजोल्यूशन पास करने का, उन्होंने एक रिकमेंडेशन की है कि सरकार इस विषय को टेकअप करे, तो ऐसा रेजोल्यूशन रिकमेंड करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये केवल पंजाब का विषय नहीं है, ये हरियाणा का भी विषय है। इवन थोड़ा शेयर हिमाचल के लोग भी मांगते हैं, 7.19% शेयर हिमाचल का भी कोर्ट ने एक बार एक आदेश दिया था, हालांकि 7.19 इसलिए बहुत आग्रह उनका नहीं था, लेकिन फिर भी तीनों स्टेट्स की इसमें हिस्सेदारी है। शिमला ने अपनी राजधानी, यानी हिमाचल ने अपनी राजधानी शिमला बनाई है, लेकिन हरियाणा और पंजाब की राजधानी दोनों की चंडीगढ़ है और दोनों की रहेगी। कोई समझौते का कोई विषय आएगा तो केवल एक चंडीगढ़ नहीं है, इसमें मल्टीपल इश्यूज हैं, और SYL भी है, उसमें हिंदी स्पीकिंग एरिया भी है, तो ये सारे विषय जब एक साथ बैठ करके कभी को करने की बात आएगी तब तो कोई विषय आगे बढ़ता है, अन्यथा वन साइडेड रेजोल्यूशन का कोई अर्थ नहीं है, बेमानी है।
अभय जी, शायद आपने बयान सुना, उन्होंने कहा कि एक इस तरह का रेजुलेशन लाना, प्रस्ताव लाना एक बेईमानी है और इसको करना नहीं चाहिए और इसके कोई मायने नहीं। अब आपको क्या लगता है कि हाँ, आपने शायद सुना हो बयान, आपके हाथ में मोबाइल भी लगा हुआ। जी लिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी को अपना पक्ष जो है जी विधानसभा का स्पेशल सेशन बुला करके रखना चाहिए, उसमें पूरे प्रदेश के लोगों की सहमति के साथ रेजुलेशन केंद्र की सरकार को भेजना चाहिए। ये कहना केवल मुख्यमंत्री का कि बेमानी है, तो मुख्यमंत्री जी को SYL के ऊपर भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए कि आपने अब तक इसके लिए क्या प्रयास किए। आज तक हमारी सरकार ने SYL का पानी हरियाणा प्रदेश के लोगों को उसके हिस्से का मिले, हरियाणा के किसान की पैदावार बढ़े, इसके लिए कहीं भी कोई प्रयास नहीं किया। ये किसानों के विरोधी हैं, इनकी सोच केवल एक है कि किसान देश का कमजोर हो और पूंजीपति जो है उसकी ताकत बढ़े। ये हमेशा ही छोटी सोच के साथ आगे बढ़े, इसके लिए तुरंत मुख्यमंत्री को एक सेशन बुला करके स्पेशल SYL पे भी और इस इशू पे भी जी दोनों पे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आप ये भी मानेंगे बहुत संक्षेप में कि चंडीगढ़ पर हरियाणा को अब अपना दावा पूर्ण रूप से स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए जैसे पंजाब ने की है? चाहिए। हमारा जो शाह कमीशन की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि चंडीगढ़ जब भी कभी फैसला आएगा इस पे वो हरियाणा को दिया जाएगा। हमारा ही अधिकार है, हम अपने अधिकार से पीछे क्यों हटें? कौन होते हैं पंजाब के लोग इस बात के ऊपर रेजुलेशन लेने वाले? इनको कड़ा जवाब देना चाहिए। कुछ चंद राजनीतिक दल जो है लोग जो है केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस किस्म के फैसले करते हैं, इनको इनका जवाब मिलना चाहिए। ठीक है भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभय चौटाला जी खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, और जितेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम इस बातचीत के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर, अभी आपने इनेलो नेता अभय चौटाला को सुना, खबरें अभी तक पर बोले हैं इनेलो नेता अभय चौटाला और उन्होंने कहा है कि अब जवाब देना चाहिए पुरजोर तरीके से पंजाब को हरियाणा की तरफ से। चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। पारित प्रस्ताव की रिपोर्ट बनाकर CM केंद्र को भेजें अपनी रिपोर्ट। एक अहम खबर, एक बड़ी खबर, एक दिन का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग अभय चौटाला कर रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं कि चंडीगढ़ के साथ SYL पर भी अपना रुख साफ करे सरकार, अपना रुख साफ करें मुख्यमंत्री। जहां हरियाणा की बात आती है वहां राजनीति से ऊपर उठकर हम फैसले लेते हैं। अकाली दल को लेकर जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि फिर वही स्थिति है कि अकाली दल फिर इस मामले में साथ में है, तो उन्होंने कहा कि जब राजनीति, जब प्रदेश के हित की बात आएगी तो फिर राजनीति के सारे रिश्ते वो खत्म कर सकते हैं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री की भी आपने बात सुनी, उन्होंने कहा कि एक तरीके से ये बेईमानी की गई है, इस तरह का प्रस्ताव बेईमानी है और चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी हक है।